और चलिए अब बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की और आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आप दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको दिखा रही है, देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और एक बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। इस्तीफा देने की बात की जा रही है। कल 15 घंटे सीबीआई की तरफ से जो है जांच पड़ताल की गई, रेड की गई थी, एक बड़ी रेड सुबह 9:30 बजे करीब जो है पहुंची थी सीबीआई की टीम और उसके बाद कल देर रात वहां से सीबीआई की टीम निकली है, जिसमें बताया जा रहा है कि फोन और लैपटॉप मनीष सिसोदिया का जब्त किया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब उनकी गाड़ी की जांच पड़ताल की जा रही थी कि वहां तो कोई। आपने यूट्यूब चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। यूट्यूब चैनल को कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कागजात नहीं है तो हर एंगल से सीबीआई जो है जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई की यहाँ तक की एफआईआर की भी बात करें तो एफआईआर कॉपी में भी मनीष सिसोदिया का नाम है। तो कल यहाँ पर सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया क्योंकि वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता है जो लगातार वहां पर मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की बात करें। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर जहां मेरे सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार कल से आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है वहां पर। प्रियंका, अभी वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, कैसी स्थिति वहां पर? आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा देती हूँ। ये दिल्ली कांग्रेस के बाहर इस वक्त मौजूद है जहाँ पर दिल्ली कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश कर रही है और साफ तौर पर मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। यहाँ अगर आपको दिखाएं तो विरोध का क्या तरीका, यहाँ दो गधों में दो व्यक्तियों को बैठाया हुआ है जिन्हें मास्क लगाया है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से घोटाले की बात सामने आ रही है कुछ इस तरीके का हर जनता हुआ करेगी, तो ये तरीका इस तरीके के साथ जो दिल्ली कांग्रेस है वो प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में अगर बात करें तो उदित राज से लेकर संदीप दीक्षित जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ सम्मिलित हुए हैं। साफ तौर पर जिस तरीके का कल पूरे दिन पे घटनाक्रम बना रहा, सीबीआई की जो पूरी रेड रही मनीष सिसोदिया के घर पे, उसके बाद राजनीति भी जाहिर तौर पर दिल्ली में गर्म हो गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसकी मैं बात कर रही थी, एक शख्स जिनको रुपए नोटों की माला पहनाई गई है और मास्क इस पे अरविंद केजरीवाल का लगाया गया है। साथ ही दूसरी तरफ की भी अगर बात करें तो दूसरी तरफ जो दूसरे शख्स है उनके गले में शराब की बोतलों की माला पहनाई गई है और ये तरीके से कांग्रेस फिलहाल यहाँ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जवाब मनीष सिसोदिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। तो ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन इन्हीं खबरों के साथ टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया से आज तक लगातार पिछड़ता जा रहा है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 10% से ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14% मार्केट शेयर है जबकि 12.3% शेयर के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम की बात करें तो प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 13% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। दिन की टीआरपी की भी बात करें तो न्यूज 18 इंडिया के आगे आज तक कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज तक से 15% ज्यादा दर्शक न्यूज 18 इंडिया लगातार देख रहे हैं। हमारे दर्शकों का भरोसा हमें लगातार बना रहा है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर वन, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर वन, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए।